तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं और हमारा सामान हमारा नीचे चला गया है। हम हैं अंबाला कैंट आ चुके हैं और यहाँ पे फेमस गर्ग पूरी अंबाला हम लोग आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं निकल रही थी अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए और बस थोड़ी बहुत पैकिंग कर रही हूँ और मेरे को भी खाना ही बनाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट में मेरे को ये दिख रहा है आपको, एक दो नेल है, दो नहीं है, फिर एक है, तो मतलब इन्हें रिफिल करा लूँ नहीं तो बहुत ही बुरी हालत लगेगी मेरी। और बस अभी निकल तो थोड़ा सामान भी लेकर आऊँगी और अपने ये रिफिल भी करा लेती हूँ। तो बस गाइस अब मैं निकल चुकी हूँ और ये मेरी स्कूटी की चाबी, स्कूटी से जल्दी जाऊँगी और जल्दी से आना है मुझे क्योंकि काफ़ी काम भी करना है मुझे बहुत सारा। और मैं आ गई हूँ नीचे पार्किंग में और सबसे बुरा काम पता है मुझे क्या लगता है गाइस, जहाँ पे मैं नेल आर्ट एक्सटेंशन कराने आई थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कैटाई कराओ, कैटाई बहुत ही अच्छा लगता है, 3D लुक आता है। तो फिर मैंने यही चॉइस किया और देखो मैंने ये वाला कलर कराया था, कैसा लग रहा है कमेंट में बताना जरूर। गाइस मैं आ गई हूँ और देखो मैंने ना ये वाले नेल्स कराए हैं और ये मैंने फर्स्ट टाइम कराया है। इसे कहते हैं नेल वो कैटाई, उन्होंने मुझे बताया। मतलब वैसे हमेशा ना मैंने मतलब पर्ल्स लगवाए हैं, नेल एक्सेसरीज लगवाई है, लेकिन ये वाले कैटाई मैंने फर्स्ट टाइम करवाए हैं। तो मुझे कमेंट में बताना कैसे लग रहा है। तो गाइस खाना वाना भी मैंने रेडी कर लिया, छोले बनाए हैं और जीरा राइस बनाया क्योंकि मेरी फ्रेंड मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसका बड़ा मन था छोले चावल खाने का, वही मेरे हाथ का, तो मैंने उसके लिए भी बना लिया जल्दी जल्दी और सब घर वालों के लिए भी कि घर वाले भी खा लेंगे अगर मैं जाती हूँ तो। तो बस मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस अब मैं पूजा वूजा करूँगी और फिर निकलती हूँ। और शाम तो हो ही गई है फिर मैं सोचा पूजा करके ही जाऊँगी। और मेरा बैग भी रेडी है, ये रहा मेरा बैग और छोटा वाला ही लेके जा रही हूँ क्योंकि दो तीन दिन की बात है। और ना मैंने दो सूट भी रख लिए कि अगर हम गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो वो मैं सूट वेयर कर लूँगी, अगर नहीं जाते तो भी मतलब एमरजेंसी के लिए होना चाहिए कि वहाँ पे मतलब ये ना हो कि मतलब मैं सूट नहीं लाई और मतलब थोड़ा लगता है ना, तो इसलिए मैंने दो सूट तो रख ही लिए हैं, जो अच्छा लगे वो पहन। तो यहाँ मेरी कैब आ गई और मैं निकल गई हूँ अपना सारा सामान वामान लेके और तिलक नगर के लिए। तो जैसे मैं निकली तो ज़्यादा ट्रैफिक भी था और पता है मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपना खाना भूल गई थी। फिर मैं यहाँ से वापस यूटर्न लेके गई और मैं अपना खाना क्योंकि मैंने बड़ी ही मेहनत से बनाया था उसे, मुझे ये था कि यार मैंने जिसके लिए बनाया मैं उसे लेके तो जाऊँ। फिर मैं खाना वाना दोबारा लेके फिर दोबारा निकल गई थी। इतना सारा सामान था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और मतलब मेरा लगेज और ये नहीं, मैं मेट्रो से जा रही हूँ क्योंकि आधे रास्ते किए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। और फिर मैंने सोचा कि मेट्रो उतर जाना चाहिए तो मैं वहाँ से उतर के मैं अपना पेमेंट करके और अब मैं मेट्रो से जा रही हूँ। और देखो मेट्रो ज़्यादा ही खाली है, 7 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। रास्ते में से जा रहे थे और हमें बहुत ही प्यारा सा स्टॉल दिखा मोमोज का, फिर हम लोग यहाँ मोमोज खाने के लिए रुक गए हैं। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ के मोमोज ट्राई करी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और अब हम लोग यहाँ से तंदूरी मोमोज ले रहे हैं दोबारा और देखते हैं उसका टेस्ट कैसा है। ये यहाँ का है तंदूरी मोमोज। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी भाभी के घर पे और मैं आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे $1 मिलेगा, वो भी फेसबुक पे मिला है। आज $1 है, कल पता नहीं कितने डॉलर होंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं मोनेटाइजेशन हो गया है मेरा और फर्स्ट मेरा $1 आया है और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे मतलब मोनेटाइजेशन हो गया और $1 आ चुका है। और ये सिर्फ AS व्लॉग की वजह से हुआ है जो मुझे पता चला है, उसने मतलब मेरा अकाउंट देखा और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ मेरा अकाउंट शायद वही अब हैंडल करे तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो गाइस ये लोग तैयार हो चुके हैं। हाँ इसको काट दे, इसको बजाए। तो गाइस हम लोग सो गए थे, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 आवर्स सोए होंगे हम लोग और फिर उठ के हम लोग रेडी वेडी हो गए हैं। और जो सबसे पहले रेडी हुआ है ना वो वंशु है, वंशु भी रेडी हो गया है, सब लोग रेडी हो गए हैं और बस हम 10-15 मिनट में फिर निकल रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं और हमारा सामान वामान नीचे चला गया है और बस हम लोग निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और सब लोग आ चुके हैं। तो बाय बाय भैया, हम लोग आ चुके हैं। गाइस आ रहे हैं, गाइस बोला ना, गाइस गाइस भाभी का पेज है। गाइस और शिविन आ गई है, शिविन आ रहा है। ओह माय गॉड शिविन, ये आपका बैग तो बड़ा प्यारा है, ले लूं मैं ये? शिविन वाओ, ओहो कौन सा, आप आगे बैठोगे? नहीं मैं तो पीछे बैठूंगी।
गाइस अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे। मैंने यहाँ से ये फूल तोड़ लिया। गाइस हम हैं अंबाला कैंट आ चुके हैं और यहाँ पे फेमस गर्ग पूरी अंबाला उसपे हम लोग आए हैं और यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है तो हम लोग ना गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और हम लोगों ने वहाँ से मंगवाई है पूरी सब्जी तो अभी टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसे। तो गाइस हम लोग अंबाला कैंट पर, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी हमारी पूरी सब्जी आने वाली है जो हमने अभी मंगवाई है। यहाँ पे फेमस गर्ग पूरी वाला है जो वहाँ से। गाइस देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और इतनी तेज बारिश हो रही है। बारिश है उधर गाड़ी में। तो गाइस मैं और मंशु वेट कर रहे हैं। भाभी हेलो, पूरी सब्जी का वेट कर रहे हो? वैसे मैं रोटी करो, रोटी बना के लेके आई थी। इसको पता है क्या करो, बीच में लो ये ऊपर से छीटे रही, एक बंदा इधर आ जाओ। टेस्ट कर रही है, कैसा है टेस्ट, कैसा है मंशु? बंद हो गई, बंद हो गई बोलना। चुपचाप लेते ना। ये देखना, ये टाइम बनाओ ना। तो ये कितने प्यार से सो रही है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं और ये सो रही है। यहाँ पे हमारी मैगी आ चुकी है और इधर सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरी पहाड़ों की मैगी ये देखो हमें मिली है। चीनी की प्लेट है लेकिन कप मारा कच्चेगा। रजवाड़े परिवार से है ना। तो फाइनली हम लोग मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं और ये वहाँ की मार्केट है और अब हम लोग यहाँ पे होटल वगैरह देख रहे हैं कि कहाँ पर हम आज स्टे करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक है क्योंकि मार्केट वार्केट भी लगी हुई है इसीलिए।